आज ही मैं ये काम क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं ना कुछ एक दिनों में चंडीगढ़ जा रहा हूँ, देन मंडी पे फिर कुछ टाइम मैं वहीं पे रहूंगा भाई के साथ। इसको ठंडा होने देते हैं अभी पूरा फुल पावर, देन उसके बाद करते हैं सारा काम। ये भी पूरा खोलना पड़ेगा अपने को। ये निकल के जा रहा दूर को, भाई को पीछे कर दे। देख रहे भाई कैसे छूट रहा है ये हाथ से। ये है कुछ अपनी नई बैंड पाइप, अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सिंगल पीस ही है। आउटपुट बताते हैं, और साउंड इंक्रीज होगी ना भाई क्या? बस बस ठीक है ठीक है, गालियां दे रहे हैं भाई। हाँ तो भाई लोग कैसे सब? तो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है, सबसे पहले आप ये देख लो अपनी बाइक ब्लू पूरी दो दी है मैंने। अभी एक बार आपको मैं लुक बता देता हूँ, शाम को रात हो गई थी तो इतना आपको सही से बता भी नहीं पाया था। ये पूरी इसकी वेबल साइड जो सारी डैमेज हो चुकी थी, वाइजर भी चेंज कर दी हुई, ये नीचे से टूट गया था, मतलब नहीं होगी एकदम से। और अभी का सीन कुछ ऐसे है, मैंने जो बोला था इसका एग्जॉस्ट का काम करवाना है। एक्चुअल मशीन ही है ना भाई, देखो ये जो ना आपने देखा होगा यहाँ पे एग्जॉस्ट जब मैंने इंस्टॉल करवाया था ना, तो ये थोड़ा ना सेट नहीं बैठा हुआ है, यहाँ से ना दो जगह से एयर लीक हो रही है। इसका मैं कुछ काम करवाने वाला हूँ, मतलब आपको लग जाएगा यार पता क्या किस तरह से होगा। जल्दी जल्दी ना काम करवा के आ जाएंगे, अभी तक अंधेरा वगैरह नहीं हुआ है यार। एक तो ये है ना कि अपना काम हो जाए, क्योंकि आज संडे भी है, क्योंकि ये बाजार सारा बंद होगा। पापा वैसे मैंने जल्दी ब्रेक लगा दी थी, मैंने सोचा कि दूर लगाऊंगा तो ऐसे बोलेंगे कि दिन तेज चला सा यार, रुका तू। हाँ जी मैं इसा था, एक दोस्त का काम कराना है, ये जरा के बेल्ट दे करवाना ना। पता नहीं खुली होंगी मार्केटिंग, कल जाऊंगा था ना प्या का, चला था कल ही जाते हैं यार, मार्केट बंद हो गई। चलानी तो नहीं चलानी, पापा ने आज तक मेरी बाइक राइड ही नहीं करी यार। ये RC 390 पापा ने बाइक लेके दी है ना मेरे को, बट कभी आज तक इस पे बैठे नहीं है ना, एज अ पिलियन बैठे हैं ना ही राइड करी है इन्होंने खुद। तो गाइस आज का सीन कुछ ऐसा है, अभी ना इस पे जैसे कि मैंने आपको बताया था इसका ना एग्जॉस्ट का काम करवाना था, मैंने आपको जैसे कि बताया था। तो ये देखो भाई, तो यहाँ पे ना बेल्ट वगैरह करवाना है, तो किस तरह से रहेगा वो सारा बताता हूँ। शॉप पे पहुंचते ना पहले ढूंढते कोई एक अच्छा सा बंदा, ठीक है? तो देखते हैं हेलमेट गैलरी में पता कर लेंगे। एक तो यहाँ पे नजदीक है जहाँ पे मैंने इसका काम करवाया था अपनी स्कूटी का, ये चीज लगवाई थी। चलते हैं अभी कोर्स स्टार्ट वगैरह करते हैं, उसके बाद निकलते हैं भाई। आप एग्जॉस्ट साउंड सुनो इसकी, ये लो भाई। एक्चुअल मैं ना यार आज ही मैं ये काम क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं ना कुछ एक दिनों में चंडीगढ़ जा रहा हूँ, देन मंडी पे फिर कुछ टाइम मैं वहीं पे रहूँगा भाई के साथ। मैं नहीं चाहता कि यार लॉन्ग ट्रिप पे ना अपना ये निकल जाए ये जो है, क्योंकि यहाँ से देखो किस तरह से लगा हुआ है, ये सही से बैठा ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई साउंड सुन कर रहा हो, बट फिर भी हम इसको सही से करा लेंगे, किस तरह से कराएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी अभी निकलते हैं, कॉल स्टार्ट होने देते हैं इसको, देन उसके बाद मिलता हूँ भाई मैं। एक बार साउंड सुन लो, जल्दी जल्दी से काम करवाएंगे, क्योंकि मौसम भी देख ही रहे हो आप भाई, देखो ऊपर कितना खतरनाक मौसम हो गया। तो भाई जल्दी आ जाएंगे फिर घर काम करवा के, गेट वगैरह रहने देते हैं, कर लेंगे ये बंद, बोल्ट ना निकल जाए यार। भाई क्या मजा आ रहा है यार सीरियसली, ओह ये पत्थर बीच में फेंका हुआ है यार, भाई साहब ये मेरे छोटे छोटे सब्सक्राइबर्स, अच्छा लगता है भाई, गाँव के ही है। तो निकलते हैं भाई जल्दी से, इसको फ्यूल अप वगैरह करवाएंगे सबसे पहले, बाकी देखते हैं जहाँ पे मैंने पहले अपनी स्कूटी का काम करवाया हुआ है तो वहाँ पे वो भाई कर देंगे, बस बेल्ट ही करना है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा नीट एंड क्लीन वर्क करवाऊंगा ना, क्योंकि बड़े ज्यादा भाई लोग हैं उनको ना BS6 बाइक्स में जो है KTM की BS6 बाइक है उसमें बैंड पाइप लगाने के लिए ना बड़ा ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ता है। तो मैं बताता हूँ भाई आज देखना पूरी वीडियो कैसे करने वाले हैं हम लोग, ठीक है? तो चलते हैं भाई जल्दी से फ्यूल अप करवाते हैं सबसे पहले, देन उसके बाद निकलते हैं भाई काम करवाने के लिए। यार मैं बड़ा मिस कर रहा था यार 390 को, सच बताऊं तो मतलब मैं क्या ही बोलूं यार, किस तरह से ये जो है ना थ्रस्ट देती है भाई, बहुत मिस कर रहा था भाई साहब, बहुत ज्यादा बड़ा मजा आ रहा है यार इसको चलाने में सीरियसली। फ्यूल वगैरह करवा ली हूँ अभी, अभी चलते हैं भाई। ये लो भाई ये देखो भाई, जैसे ये है ना यहाँ पे स्टील की वो रिंग बैंड की बेल्ट की हुई है, इस तरह से बेल्ट होनी चाहिए। अभी मैंने भाई को बताया हुआ है किस तरह से करना है, क्या चीज करवाते हैं भाई, पूरा बेल्ट इतना लंबा बना लेने रिंग, फिर बाद कट्टी उठ लेंगे। सह मैं तुम्हें तो दसना साइज तो हिसाब ले लेना, अंदर के हिसाब जो दमो होना हाँ खोलना ली, ठंडा होने देते हैं जरा के। तो भाई अभी मैंने भाई को बता दिया किस तरह से करना है, इसको ठंडा होने देते हैं अभी पूरा फुल पावर, देन उसके बाद करते हैं सारा काम। ये भी पूरा खोलना पड़ेगा अपने को, एग्जॉस्ट भी इन स्प्रिंगों को भी खोल ही देता हूँ मैं ना।
लगा भाई ऐसा गुच्छा बना दिया हुआ है और अभी ना इसको पूरा फुल पावर फिनिश देते हैं देन उसके बाद बताते हैं। एक बार देख लो आप, देखो कुछ इस तरह से है पूरा। अभी इसको पूरा फुल फिनिश देते हैं देन बताता हूँ आपको। ग्राइंडिंग वगैरह की जा रही है, बाकी ये देख लो यहाँ पे एयर लीकेज को बचाने के लिए हम ये कुछ होता है ना जैन किट वगैरह होती है तो वो लगाएंगे ताकि एयर लीकेज वगैरह ना हो। और बाकी अब तो वैसे भी नहीं होने वाली है फुल पावर, भाई खतरनाक वाला एक दोस्त लग जाएगा। देखो काम चला हुआ अभी बैंड पाइप का, अभी ना कम्प्लीट हो जाता ना पूरा ही देन उसके बाद बताता हूँ मैं आपको। साथ में चल पड़ा, वो हो गया यार काम, किसने चल जाना? तू पापा को कॉल कर, बोल पापा वो लेके जाने हैं, उसको बोलो। ये पहले येलो वाली थी ना, इसको शाइन कर जाएगा पूरा फुल पावर। निकल के जा रहा दूर को, दो बार लग गया, एक बार ये बजा इसको, भाई को पीछे कर दे। देख रहे भाई कैसे छूट रहा है ये हाथ से। ये है कुछ अपनी नई बैंड पाइप, अब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सिंगल पीस ही है। आउटपुट बताते हैं, ऐसे लगेगी ये, ऐसे फाइनल लुक आपको एक बार दिखा देता हूँ भाई। ये देख लो अपनी बैंड पाइप, ठीक है। बाकी ना मॉर्निंग में दिखाऊंगा, अभी तो यार नाइट होगी तो इतना कुछ सही दिखेगा भी नहीं। अभी निकलते हैं घर के लिए, मैंने सीधा आपको आगे मिलता हूँ। पूरा फुल एक दोस्त काम भी करवा ली हुआ है, इसकी लुक वगैरह जो भी है ना वो सारी आपको मैं कल बताता हूँ यार सही से। बिल्कुल अभी तो अंधेरा हो गया तो अभी थोड़ा सा काम भी है अपने को गगल में। उस साइड जा, इधर अंदर पास हो। ये पैरालिट्स वगैरह बनवाए थे इसने, एथलीट है ये कैलिस्थेनिक, उसके लिए है। बाकी अभी घर पे पहुंचते हैं फिर बताता हूँ आपको, निकाल लेंगे इनको हम। तो भाई लोग अभी घर पहुंच गए हैं, बाकी तो आपको ना मॉर्निंग में दिखाता हूँ। और साउंड अब लाउड हो गई है क्योंकि पहले ना एयर वगैरह लीक हो रही थी और अच्छे से नहीं लगी थी बैंड पाइप, तो भाई अब ना साउंड वगैरह जो है ना इंक्रीज हो गई है। और साउंड इंक्रीज हो गई ना अभी है ना मम्मी, क्या बस बस ठीक है ठीक है, गालियां दे रहे हैं भाई तो बस भाई इतना ही है यार जो भी है। बाकी लाउड हो गया और भाई मॉर्निंग में मिलता हूँ अब।